रे टुम्पा, तुम इस अवस्था में पानी लेने आई हो? क्या करूं? आपका भाई तो काम पे गया है और सास बात के दर्द से परेशान। अरे हारन, टुम्पा की लाइन देखो तो। अच्छा हारन, तुम क्या उसके लिए रोज 2 बाल्टी पानी ला सकोगे? टुम्पा दी ने मुझे कहा है कभी, कहने से क्यों नहीं ला दूंगा। अरे ये क्या, गर्भ अवस्था में गुटखा खा रही हो? तुरंत फेंको, इतनी फूल क्यों गई हो? कौन सा महीना चल रहा है? यही तो 6 महीने होंगे। तुम्हारी उम्र तो 30 पार कर गई है। 30 साल से अधिक उम्र की महिलाएं गर्भ अवस्था में अधिक फूल जाती हैं, तो ये डायबिटीज हो सकता है। पर ब्लड टेस्ट ना होने पर कुछ ठीक से पता नहीं चलेगा, बच्चे के लिए भी हानिकारक है। तुम्हारे परिवार में किसी को है डायबिटीज? मेरे ससुर जी को थी। ससुर के साथ क्या तुम्हारा खून का संबंध है? तुम्हारे पिताजी के घर में किसी को है? नहीं तो। डायबिटीज रहने पर माँ और बच्चे दोनों को कई परेशानियाँ हो सकती हैं। बच्चे का वजन बढ़ सकता है, प्रसव के पहले ही डिलीवरी का दर्द उठ सकता है। सबसे पहले तुम ये गुटखा, जर्दा, तंबाकू खाना बंद करो। कोई भी नशा नहीं करोगी। रास्ते के चाउमीन, रोल, चिकन पकौड़े आदि खाना बंद करना होगा। स्वास्थ्य केंद्र में चेकअप चल रहा है ना? एक हो गया है, आगे एक होने वाला है, और भी तो होंगे। और वहाँ जाकर डॉक्टर बाबू से एक बार बात कर लेना। वो लोग तुम्हारा वजन लेंगे, प्रेशर मापेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे और बच्चे की ग्रोथ का ख्याल रखेंगे। डॉक्टर बाबू की हर बात माननी पड़ेगी। अरे ऐसा बहुतों के साथ होता है, पहले से सावधान रहने पर कोई डर की बात नहीं। अरे कहा तो, कोई डर की बात नहीं है, बस कल एक बार स्वास्थ्य केंद्र चली जाना, समझी?